नमस्कार साथियों, मैं जानता हूँ ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा सा अंत तक जरूर देखें। आपके पास 1-2 मिनट समय होगा, उसको निकाल कर जरूर देखें। तो चलिए बात की शुरुआत करता हूँ। कानपुर शहर आपने सुना ही होगा, वहां पे एक जगह है घाटमपुर। मेरे जीवन की ऐसी बीभत्स घटना मैंने पहली बार सुनी है और देखी है। टीवी चैनल के माध्यम से पता चला, अखबारों से पता चला कि एक 6 साल की मासूम लड़की होती है, दो लोग उसका बलात्कार करते हैं, चाकू से गोद गोद कर उसका सीना चीर डालते हैं। 6 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार करने के बाद उसके बाद उसका गला घोंट देते हैं, किडनी, दिल, गुर्दा जो भी मिलता है उसको सब बाहर इतना निकाल के फेंक देते हैं। दरिंदगी भरी हरकत को अंजाम देते हैं। पहले उसका बलात्कार करते हैं, बलात्कार करने के बाद उसके जितने भी अंग होते हैं उनको निकाल कर फेंक देते हैं। पता नहीं ये राक्षसों जैसा उसके साथ मिसबिहेव किया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पहले जीवन में पहली ऐसी घटना है जो मैंने इस तरीके से सुनी हो। मुझे भी पता नहीं था कि जीवन में ऐसी घटनाओं को भी सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और इस जहाँ पे हम रामराज की बात करते हैं, इस अच्छे सर्व समाज की बात करते हैं, इस बीच में हमें ऐसी घटनाएं भी सुनना पड़ेगी, मुझे पता नहीं था। और ना जाने अभी आगे हमें क्या देखना पड़े, हम किस ओर जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है। उसका दुष्कर्म करने के बाद उसकी आंतें, उसकी आंखें, उसका गला घोट दिया, उसका सिर जो पत्थर से कूंच दिया, मतलब जो उस सब के साथ वो कर सकते थे उन्होंने सारी हदों को पार कर दिया। मतलब एक राक्षसों जैसा बिहेव किया गया उसके साथ। इस घटना से एक चीज तो हमें पता चल गई है कि समाज में और इस लोक में यहाँ मनुष्य नहीं रहते, अब यहाँ पे दानवों का राज हो गया है। यहाँ चारों तरफ राक्षस हैं जो किसी को भी मार सकते हैं, काट सकते हैं और उनके साथ दुष्कर्म प्रयास कर सकते हैं। और हमारी पुलिस उसको तो मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। और आपकी व्यवस्था है, जो आप हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपको दोनों हाथों सलाम मैं करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आप ऐसी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। कि प्रदेश में हमारे मिशन शक्ति ऐसा कार्यक्रम चल रहा, अभियान चल रहा है जो महिला सशक्तिकरण के लिए, उन पर अत्याचार पर रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि उसका 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सिर्फ हाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, अखबारों में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आ जाती है कि हमने उस लड़की को हमने थाना इंचार्ज बना दिया। एक दिन के थाना इंचार्ज से क्या वो लड़की जान पाएगी? वो वहां की कई 4 से 5 फाइलों को ढंग से एक दिन में वो पढ़ नहीं पाएगी कि आखिर क्या हुआ। तो बहुत अच्छा है, आप बढ़िया सुर्खियां बटोरिए। और यूपी पुलिस को तो मैं दोनों हाथों सलाम करता हूँ। और मिशन शक्ति बहुत अच्छा चल रहा है और इसका नतीजा ये है कि अभी एक बुलंदशहर की में एक लड़की था, उसका दुष्कर्म होता है और उसको न्याय नहीं मिलता है, तो उसको आत्महत्या करना पड़ता है। तो ये तो कुछ न्यूज़ हैं जो टीवी चैनल में आ जाती हैं, न्यूज़ चैनल पेपर में आ जाती हैं, तो हमें पता चल जाती हैं। वरना ना जाने अनगिनत ऐसी कितनी न्यूज़ हैं, ऐसे बलात्कारों की घटनाएं हैं और ना जाने कितनी बच्चियों के साथ बीभत्स घटनाएं हो रही हैं, उसका कोई ध्यान देने वाला नहीं। इस घटना का पता जब चलता है, क्योंकि वो उसको काट कर उसका शव जो है मंदिर के आसपास उसके कई टुकड़ों में फेंक देते हैं, कई जगह टुकड़ों में, एक शरीर टुकड़ों में बरामद हो रहा है। और जो बरामद भी हो रहा है, आप सोच इमेजिन करिए कि एक शरीर के अंदर से एक 6 साल की मासूम बच्ची, ना जाने कितने घरों में 6 साल के बच्चे होंगे, उसको इमेजिन करिए कि उसको पहले उसका गला काट दिया गया, उसका सिर जो है पत्थरों से कूंच दिया गया, सबसे पहले उसका बलात्कार भी किया है, उसके बाद उसके सीना चीर कर, छाती इतना पूरा चीर कर, इसके अंदर से किडनी, आंतें और आंखें और गुर्दा ये सब और दिल, इन सबको निकाल निकाल कर कई टुकड़ों में फेंक दिया, मतलब उसको निकाल लिया पूरा। उसके बाद एक ऐसी हरकत को अंजाम दिया जो राक्षसों ही कर सकते हैं, उसकी प्रवृत्ति का आदमी ही कर सकता है, कि उसके दिल को निकाल कर खा गए वो। जब पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो इस बारे में पता चलता है। और जो हम सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और सोचते हैं कि ऐसा ना सुनने को मिले, तो यहाँ भी पुलिस ने कुछ बहुत जिम्मेदारी के साथ काम नहीं किया है। और जिम्मेदारी इस बात से आकलन कर सकते हैं कि जब उन्होंने गिरफ्तार किया तो वो नशे में थे, और नशे में उन्होंने एक दिन तक पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की। अब क्या होता है, SIT टीम बनती है, मिशन शक्ति जो बहुउद्देशीय महिला सशक्तिकरण पर ये मिशन चल रहा है, कितना कारगर साबित होता है देखते हैं। ऐसी घटनाएं सुनकर मैं खुद सोचता हूँ कि हम किस समाज में रहते हैं। मेरा अपना मानना है कि ये बहुत गलत हो रहा है जो चल रहा है समाज में, और इस समय वर्तमान स्थिति तो और ज़्यादा ही बिगड़ गई है। तो आप बताइए, आपकी राय होनी चाहिए कि इस घटना पर पुलिस ने क्या त्वरित कार्रवाई की, और हम मिशन शक्ति जो अभियान है ये कितना कारगर साबित हो रहा है आपके आसपास जनपद में, आपके जिले में। क्या आपने, वैसे सबसे बड़ी बात है कि आपने मिशन शक्ति कार्यक्रम सुना है कि नहीं सुना है, ये भी सबसे बड़ी बात है। कि क्या आपको पता है कि आपके जनपद में, आपके प्रदेश में मिशन शक्ति नाम से एक अभियान चल रहा है जिसमें महिला सशक्तिकरण, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको न्याय दिलाने की का काम कर रहा है मिशन शक्ति। और कितना आपने देखा है कि अखबारों में पढ़ा कि सुना भी है कि नहीं सुना है,
तो आप अपनी राय कमेंट जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ना करें चैनल को, चल जाएगा, लेकिन हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये सब चीज़ें लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखें आप। वंदे मातरम।